रघु। ओह हाय अनारकली, क्या तुम भी वही दंत मंजन इस्तेमाल करती हो? ओह क्या मुस्कुराती हो, बस एक बार और मुस्कुरा दो ना। रघु अनारकली, ये तुम अचानक अनार कांटा कैसे बन गई है? रघु उठो उठो उठो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये क्या है? आठ। आठ नहीं, तुम्हारे अब नीचे ना बारह बजने वाले हैं। बारह बारह नहीं जमता। चलो किधर, क्या है, कौन है? मोहन पापा जी यहाँ आइए, ये देखिए क्या चोरी की है। बल्ब भी ले गया, शेड भी ले गया, यहाँ तक प्लग भी ले गया। क्या बात है, आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। रघु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं देखो, इसका मतलब है आप लोगों को पता चल गया है, तो मुझे माफ कर दीजिए। देखिए मुझसे भूल हो गई सासू जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? आपने हमारा घर साफ कर दिया और आप चाहते कि हम आपको माफ कर दें? कभी नहीं। घर साफ कर दिया? रघु मेरे प्यार में क्या कमी थी जो तुमने ऐसा किया? तुम्हारे प्यार में नहीं, शायद मेरी उम्र में कमी थी। देखो मेरे कदम बहक गए, और मेरी गलती नहीं थी, उसकी भी गलती थी। इसका मतलब कोई और भी तुम्हारे साथ था? Obviously, अब कोई और तो होना ही था ना, मेरे अकेले के कदम कैसे फिसलते? रघु माल कहाँ है? ससुर जी जरा शर्म कीजिए। चोरी का माल कहाँ है रघु? चोरी का माल? ओह कैसे शरीफ बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन्होंने चोरी नहीं की है, इनके हक का सामान तो उठा के कहीं रख दिया इन्होंने। कौन सा सामान, किसका सामान? मेरे पास कोई सामान नहीं है। ढक्कन, पुलिस को फोन करो। पुलिस? रघु ऐसे नहीं मानोगे तुम। देखिए प्लीज प्लीज, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मम्मी जी ये देखिए, फोन का डब्बा भी चुरा लिया इसने। मैंने कुछ चोरी नहीं की है। देखिए आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं चुराया? नहीं। फिर कहाँ गया घर का सामान? एक मिनट, समझ गया सासू माँ, ये मैंने नहीं, ये अच्छा घर में तुम अकेले थे, शायद तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आई होगी चोरी करने के लिए। मम्मी जी मैं काम करता हूँ, दौड़ के जाता हूँ, पुलिस को बुला लाता हूँ। नहीं ढक्कन, रघु मेरा जवाई है, अगर ये पकड़ा गया तो इसके साथ मेरी इज्जत भी जाएगी। हाँ हाँ। अरे क्या हाँ हाँ, मेरा तो सुहाग ही उजड़ जाएगा ना, आसपास कोई मुर्गा भी नहीं है फंसाने के लिए। मम्मी कंचू, रघु मैं तुम्हें आज शाम तक की मोहलत देती हूँ, आज शाम को सारा घर का सामान मिल जाना चाहिए, समझे? चलो कंचू। समझे? कौन सा शाम तक? शाम तक सारा सामान मिल जाना चाहिए, वरना कल से अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे। कैसे? जेल में शीशा नहीं होता है। जेल में शीशा? ससुर जी।